दस नाड़ियों में संतुलन बना रहता है, इसीलिए हर एंगल का हम बोल देते हैं हर तरीके से शरीर को। और लंबा लंबा क्या भरते हैं, सांस भरते हैं। हमेशा प्राणों को याद रखना है और सांस हर क्रियाओं में जुड़ा हुआ हो। इसका तीसरा ध्यान को ये वाला है, उतना इसमें थक जाता है। एक मिनट बच्चे, सारे बच्चे हमारी बातों को ध्यान देंगे। आप सभी बच्चे योग करने आए हैं, आपको बताया जा चुका है कि योग में यदि अनुशासन की कमी होगी तो फिर आप योग करने वाले नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइन को सीधा रखें, वन हैंड डिस्टेंस रखें और आवाज नहीं आनी चाहिए। हम यही से सारे बच्चों को देख रहे हैं, उसके बाद हम बाहर करेंगे, दूसरी लाइन बनाएंगे उनकी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, अनुशासन की कमी हुई तो फिर आप योग नहीं करेंगे। एकदम शांत, बहुत सारे बच्चे आपस में जैसे हैं इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वैसा ही आप करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो फिर आप योग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुशासन को बनाए रखें, कोई पीछे नहीं देखेगा, कोई राइट कोई लेफ्ट नहीं देखेगा, सीधे स्टेज पर देखिए और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसा ही करें। लाइन को सीधी करें, पहले एक दूसरे के पीछे छिप जाए, एक दूसरे के पीछे छिपे। लाइन को मेरे कीजिएगा, एकदम शांत। एकदम शांत करते हैं, झुकने वाला तीन हमने कराया, दौड़ने वाला तीन कराया।